सभी दीदियों को नमस्कार। मेरा नाम नजमा है और मैं कृषि शक्ति के पद पे कार्य करती हूँ और मैं आपको ब्लांचिंग के बारे में बताती हूँ, जिससे आपका आटा बेस्वाद नहीं होगा। चलो हम सबसे पहले आवश्यकता अनुसार बाजरा लेते हैं और उसको फिर हम कपड़े का टुकड़ा लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब हमने बाजरे की गठरी बना दी और अब हम उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम बाजरे की गठरी को गर्म उबलते हुए पानी में डालेंगे। अब थोड़ी देर इसको उबलने देते हैं। चलो अब एक मिनट हो गया, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और धूप में सुखा देते हैं। बढ़िया काम है भाई, ईशान को बढ़िया काम ये तो बहुत बढ़िया है दीदी। ईशान को काम तो बढ़िया था, हाल पकड़ो लो। नहीं बढ़िया से कहे भाई दीदी, बहुत बढ़िया से कहे। चल चल मैं भी करूंगा इसको काम। ये जो आपन बाजरा की मटरी बना लेवा, बाजरा की टिकिया बना लेवा, बिस्कुट बना लेवा, इसकी पकौड़ी भी बना सकते। हाँ इसकी पकौड़ी बना सकते हैं। वहाँ भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। हाँ तो ठीक है, और अब इसको ना अपने पोषण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आप बाजरे के लड्डू, बिस्किट, मठरी और जो भी कुछ बनाना चाहो वो बना सकते हो। ठीक है।